अगर आप अपने घर में एक बाथरूम बनवाने की सोच रहे हैं जो टॉयलेट और बाथरूम दोनों एक साथ मर्ज हो, तो आज ऐसा ही एक प्लान मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ जिसमें सारी चीज़ें होंगी। ये एक कंबाइंड टॉयलेट होगा, इसमें बाथरूम भी होगा और आपका टॉयलेट भी होगा। तो ये एक मेरे पास ड्राइंग है, नक्शा है, जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं और टैली कर सकते हैं। और अगर अपने घर में बनवाने की सोच रहे हैं तो कैसे कैसे बनवाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ऐसा बनवा सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको टिल एंड तक पूरा देखना होगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो ये बेडरूम नंबर 3 है, जैसे कि बिल्डिंग में बेडरूम एक से ज़्यादा होते हैं तो नाम रख दिए जाते हैं, तो ये बेडरूम नंबर 3 हो गया। 14 फीट × 7 फीट 3 इंच का इसका साइज़ है। और इसमें आप देखिए, ड्राइंग में आर्किटेक्ट ने एक एक चीज़ को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जो वी लिखा है, वी फॉर वेंटिलेशन होता है, यानी कि इधर एक वेंटिलेशन रहेगा। और बेसिन टेप है, यहाँ पे आपका वाश बेसिन है जहाँ पे हाथ धोने होते हैं। और लीज वाल होती है जहाँ पे कंसील्ड सिस्टर्न लगेगा, यानी कि जो शीट होती है टॉयलेट शीट वो उसमें फिक्स हो जाती है, जिस दीवार में वो फिक्स होती है उसको लीज वाल बोलते हैं। और पीछे देखिए, यहाँ पे लिखा है हैंड हेल्ड। मेरे पास कोई मार्क नहीं है जिससे कि मैं आपको शो कर सकूं, लेकिन स्पाउट, एक जो स्पाउट है इससे आपका जो शावर होगा वो चालू होगा। और यहाँ पे लिखा भी है हैंड शावर। तो ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन अगर आप देखें, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये जो ब्लू लाइन दिखाई हुई, ये है ग्लास का पार्टीशन, यानी एक कांच का पार्टीशन आ जाएगा, यानी कांच की एक दीवार आ जाएगी। जैसे कि हम ब्रिक की एक दीवार करते हैं, तो ब्रिक की दीवार ना करके यहाँ पे कांच का पार्टीशन आ जाएगा, कांच की दीवार है। तो कांच के इस साइड जिधर दरवाज़ा खुला है, ये अपना टॉयलेट हो जाएगा, और कांच की इस साइड जिधर वेंटिलेशन है, ये हो जाएगा मेरा बाथ एरिया, नहाने का एरिया। आप देखिए, इसमें ऊपर थोड़ा चलते हैं तो इसने सेक्शन काट दिया है। तो ए साइड एलिवेशन दिखाया है, डी साइड एलिवेशन दिखाया है, सी साइड, यानी चार साइड दिखाई है इसने। तो ए साइड में देखिए, इसने दिखाया है कि 6 इंच का नीच है, नीच में सोता है आला, जैसे कि गांव में बोलते हैं आला। तो एक आला टाइप बना दिया जिसमें कि आप साबुन, शैम्पू या हार्पिक वगैरह रख सकते हैं। तो ये इसमें शो, जो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, कुछ खास चीज़ें हैं जिससे कि नज़र सीधे इस पर ही जाए, येलो कलर के हाईलाइटर से। और साथ में इन्होंने टाइल के नाम भी लिख दिए हैं कि ए साइड पे कौन सी टाइल आने वाली है, डी साइड पे कौन सी आने वाली है। जैसे कि डी साइड पे लिखा है फोर्जा अर्थ क्रिस्टल बेग, ये एक टाइल का नाम है, 1600 लंबाई में रहेगा, और जो उसका हाइट रहेगा खड़ा वो 800 mm में रहेगा। ये सारी डायमेंशन mm में दी हुई है, यानी मिलीमीटर में। इसको थोड़ा और जूम करता हूँ मैं, ये डी साइड एलिवेशन हो गया। तो डी साइड एलिवेशन देखिए, एक वाश बेसिन दिखाया हुआ है, और वाश बेसिन जो है, वाश बेसिन किसके ऊपर रखा हुआ है, नीचे लिखा है शटर शटर शटर, चार शटर हैं, यानी कि ये WPC यानी प्लाईवुड का एक वैनिटी बोलते हैं, उसका एक बनाएगा कारपेंटर, और आपको दीवार पे टाइल लगा देनी है और उसके ऊपर ही टंग जाएगा, उसके ऊपर एक पत्थर आएगा, देन आप वाश बेसिन रख देंगे। ये हो गया मेरा बी साइड एलिवेशन, जो वेंटिलेशन के बिल्कुल बराबर में एक नीच दिया है 3 इंच का, यानी 3 इंच गहरा एक आला है जिसमें कि आप साबुन शैम्पू वगैरह रख सकते हैं। ये हो गया मेरा सी साइड एलिवेशन। सी साइड एलिवेशन दरवाज़ा है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि दरवाज़ा जिस साइड है वो मेरा सी साइड है। इस पर भी इसने टाइल का नाम लिख दिया है, फोर्जा अर्थ क्रिस्टल बेग, और नीचे भी इन्होंने डिटेल दी हुई है इसमें कौन कौन सी टाइल है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सिम्पोलो ब्रांड की टाइल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जिसका ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन है। तो ये देखिए, नीच में आले की डिटेल दी हुई है कि जो आला मेरा बनेगा वो 350 मेरा हाइट रहेगा, 75 mm यानी कि 3 इंच गहरा, और 25 mm यानी 1 इंच बाहर पत्थर की नोजिंग आपको निकालनी है। ये कुछ टाइल्स की डिटेल दी हुई है जो इसमें लगने वाली हैं, यानी फोर्जा अर्थ रोटेन अरमानी एक टाइल लगेगी मेरी 800x1600 की, एक फोर्जा अर्थ क्रिस्टल बेक टाइल लगेगी 800x1600 की, और फ्लोर पर है 8094 की टाइल। तो फ्लोर में दिखाया हुआ है कि 8094 की आपकी टाइल लगने वाली है। फ्लोर में दो तरह की टाइल लगती हैं, तो यहाँ पे मेरे वाली बिल्डिंग में दो तरह की टाइल लगने वाली है, 8094 और एक है 8017, 600x600 का जो फ्लोर की टाइल का साइज रहेगा। तो ये पूरा एक प्लान है, दरवाज़ा कैसे खुलना है, दरवाजे का नाम भी दिया हुआ है, और जो कांच पार्टीशन है बीच में उसमें दरवाज़ा किधर की साइड खुलने वाला है, और जो
ए साइड पे एलिवेशन है उस पर कौन सी टाइल आने वाली है। देखिए रोटेन अरमानी और क्रिस्टल बेग ये दो तरह की टाइल हैं, तो उसका सिंबल भी दिया हुआ है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और किसी दीवार पे कोई गलत टाइल ना लगे। तो आर्किटेक्ट ने सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। कोई डिटेल्स में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको मार्क करके आर्किटेक्ट से मालूम करना होता है या आपका साइट पर जो भी सीनियर रहेगा उससे आप पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने घर में बनवाने की सोच रहे हैं तो ये बेस्ट प्लान है जहाँ पर आप टॉयलेट और बाथरूम को साथ में मर्ज कर सकते हैं और एक अलग ही सुंदर लग्जरी लुक आएगा। जब कांच का पार्टीशन इसमें लग जाएगा, पूरी टाइल लग जाएगी, आपका वॉश बेसिन लग जाएगा, तो अलग ही लुक निकल के आएगा। जब पूरा तैयार हो जाएगा तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा कि तैयार होने के बाद बाथरूम कैसा दिखता है। तो सारी डायमेंशन दी हुई है, टाइल आपको कैसे लगानी है, कहाँ पर 600-600 का टाइल है और कहाँ पर आपका कटिंग का टाइल है, आपका जो नीच है, नीच मीन्स आला, तो वो फ्लोर के लेवल से कितना हाइट पे रहेगा और लेफ्ट से कितना है लेना है, वो सब आपको मार्किंग यहाँ पे रेड में एमएम में दिया हुआ है। जैसे ए साइड एलिवेशन है, यहाँ पे दिया हुआ है तीर के निशान से फोर्जा अर्थ रोटेन अरमानी, यानी इस पे अरमानी टाइल आने वाली है। डिटेल एट बी दिया हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये नीच है आला है, तो इसकी डिटेल आपको नीचे मिल जाती है। तो इसमें आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें ना करें लेकिन शेयर ज़रूर करें जो बनाने की सोच रहे हैं, और कमेंट करके बताएं। और चैनल पे अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।